आगे फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए काशी का संत समाज भी आगे आया है। ऐसे में उनका यह कहना है कि इस बार कुंभ में हम सूची जारी करेंगे और उसी के तहत साधु संत बाबाओं की एंट्री होगी। वाराणसी से अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारी और पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर के साथ युवा बटुकों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाथरस की घटना के बाद जिस तरीके से लगातार पाखंडी बाबाओं पर कार्रवाई की मांग उठ रही है, खुद अखाड़ा परिषद ने भी यह साफ कर दिया है कि अब कुंभ में एक सूची सौंपी जाएगी प्रशासन को और उस सूची में जो बाबा जो संत होंगे उन्हें ही अनुमति मिलेगी। हमारे साथ महंत बालकदास जी हैं जो लगातार हर कुंभ में जाते हैं, पीठाधीश्वर है पातालपुरी मठ के, संत समिति के संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। बालकदास जी, जिस तरीके से सूची सौंपी जाने की बात हो रही है और आने वाला 2025 का कुंभ है, किस तरीके से पाखंडी बाबाओं के रोक लगाने के लिए आप लोग एक नई मुहिम चला रहे हैं? देखिए, अखाड़ा परिषद निश्चित रूप से हमारे तीनों अखाड़े जो है जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और लगातार इस पर पिछले बार भी कई महात्माओं की लिस्ट जारी की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो शब्द बार बार लगता है बाबा बाबा, मुझे लगता है कि ये बाबा शब्द ही नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पाखंडी अत्याचारियों पर और अनाचारियों पर ये दम्भी लोग हैं, ये स्वयंभू लोग हैं, अपने मनमुखी लोग हैं। इनको कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं है, कोई गुरु परंपरा से लेना देना नहीं है। तो इनको पहली बात तो बाबा कहना ही गुनाह है और ये एक पाखंडी अधर्मी लोग हैं। मुझे लगता है ये केवल दुनिया को बलगलाने का काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति महात्मा होगा तो भगवान से संबंध रखेगा, भगवान को आगे करेगा, लेकिन ये व्यक्ति तो स्वयं भगवान बन रहा है, स्वयं चक्र चला रहा है, स्वयं सब कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक बलगलाने का काम केवल दुनिया को कर रहे हैं, एक भोली वाली जनता को बलगला रहे हैं लोग। तो इस पर कहीं ना कहीं से संत समाज जागरूक है और इस पर कार्रवाई कर रही है। अखाड़ा परिषद भी, जो हमारे अखाड़े के संत हैं और अखाड़े के मठ हैं, कहीं ना कहीं से लिस्ट जारी की जाएगी और एक ऐसे लोगों पर लगाया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी कि भाई इसमें इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो अधर्म फैला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे ईसाई मसरणियां जो चल रही हैं, वो भी एक ईसाई मसरणियों का एक ये अंग है और मुझे लगता है ये एक इसका रूप दूसरा दे दिया गया है कि डायरेक्ट ईसाई ना बना करके इस प्रकार से जो हमारे भाई हैं, जो हमसे कहीं ना कहीं से कटे कटे लोग रहते हैं, उनको बलगलाने का कार्य करके और उनको किसी प्रकार से पहले हम ऐसे उनको लालच देंगे, धर्म का लालच देंगे, फिर उनको कन्वर्ट करने में हमको सुविधा रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये ईसाई मसरणियों का भी एक अंग है, इस पर जांच होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बताइए कि क्या लगता है आपको कि आप लोग तो वो युवा वर्ग है जो कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं और आगे आप लोगों की भी जिम्मेदारी होगी इसको जनता में ले जाना। ऐसे में जब इस तरीके के बाबा सामने आते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों को ना सिर्फ हानि होती है बल्कि कईयों की जान चली जाती है, आप लोग किस तरीके की मांग करते हैं? जी, ये लोग बिल्कुल भी बाबा नहीं है। इनका इसमें कोई ना इनको सनातन धर्म से कोई मतलब है। इनके बारे में भी आप अगर पढ़ें तो पिछले वाले कांस्टेबल थे पीछे, और इनको कुछ नहीं पता है सनातन धर्म के बारे में। इनके लोगों के आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सनातन धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं बाबा के नाम पर, ये जो भी हो रहा है इस पर लोगों को भी थोड़ा सजग होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और इस बीच आपको